कि शिवराज सिंह जी ने 20 लाख बार एक बात कही है कि मैं किसानों को आय दुगनी करूंगा, जब वो मुख्यमंत्री है, अब देश के कृषि मंत्री है, लाभ का धंधा बनाऊंगा, 3100 धान के दाम और 2900 गेहूं के दाम दूंगा। अभी 6000 रुपए की किसान मांग कर रहे हैं, 4800 रुपए का झुंझुना देने की कोशिश कर रहे हैं सोयाबीन को लेके। मतलब कुल मिला के किसानों के साथ जितना अन्याय और अत्याचार शिवराज सिंह और बीजेपी ने किया, किसी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की डिमांड है, आपने जो रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में 3100 और 2900 धान और गेहूं की बात की थी, उस पर 9 महीने में एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? और 6000 रुपये सोयाबीन के भाव क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब दलहन की बात आती है तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े अनाज की बातें करते थे, भाषण देते थे, विज्ञापन देते थे, और किसान के बच्चे जैसे ही आवाज उठाते हैं उनको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। वो MSP पे कानून की बात हुई थी, आज तक एक शब्द भी नहीं बोले। शिवराज जी यहाँ के वोट से वहां चले गए देश के कृषि मंत्री बन के, यहाँ झूठ बोले अब वहां झूठ बोल रहे देश से। तो हम देश के सामने इनका चेहरा बता रहे हैं, बीजेपी का चेहरा बता रहे हैं, मोहन यादव का चेहरा बता रहे हैं।